पिताजी का काम सब विरोध करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें ना हमारे लिए मतलब अभी तक कुछ किया भी नहीं है। हम तो सिर्फ अगले मोदी के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर आदमी के पक्का मकान सर्वे करवाओ, पक्का मकान कितना है नहीं, ये सब झूठी। गुना लोकसभा सीट के रिझाई गांव में हम पहुंचे हैं, लोकमत की टीम यहां पर पहुंची और यहां पर हम आपको घरों की बनावट दिखाएं कि किस तरीके से नजर आती है। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे से घर बने हुए हैं और किस तरीके से यहां पर जो है आपको सीढ़ियों से भी आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे घरों के जरिए, कच्चे मकानों के जरिए लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसे घरों की बनावट ही एकदम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। खुला आंगन किस तरीके का बनाया जाता है यहाँ पर, उसकी बनावट यहाँ पर आपको देखकर अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। इस बार क्योंकि माहौल बदला हुआ है, ज्योतिरा सिंधिया पहली बार बीजेपी टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर क्या कांग्रेस को वोट जाएगा, क्या जनता वोट डालेगा, यहाँ पर तमाम जो मकान है न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि उनकी पत्नी प्रियदर्शनी और बेटे महा आर्यन भी चुनाव प्रचार के लिए जोर लगा रहे हैं और हर उस इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सकता है। यहां पर जो तमाम लोग हैं हम उनसे जानेंगे कि कैसे यहां का माहौल बदल रहा है। सर यह जो यहां पर हम देख रहे हैं कि झंडे तो बीजेपी के नजर आ रहे हैं लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर जो वोटिंग होती है वो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा होती है। 2019 तक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ बदलाव यहाँ पर भी नजर आ रहा है? यहाँ पे तो मतलब कोई बदलाव भी नहीं है अभी तो, मोदी के कारण मतलब सब कुछ है अभी। यहाँ सिंधिया जी ने मतलब कि सिंधिया जी का काम सब विरोध करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें ना हमारे लिए मतलब अभी तक कुछ किया भी नहीं है। हम तो सिर्फ अगले मोदी के साथ हैं, मोदी जिंदाबाद है, इसलिए मतलब यहाँ का संख्या मतलब मोदी जी बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मोदी के नाम पर वोट डाले जाएंगे क्या सर, क्या इस इलाके की समस्या है, क्या आप लोग सोचकर वोट डालेंगे इस बार? समस्या ये वो तो बताएं, पानी बिजली सड़क शिक्षा कुछ भी नहीं है, 600 हालात देखो, गाँव में तुम सर्वे करवा लो 10% कोटिंग का टारगेट भी नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर आदमी के पक्का मकान सर्वे करवाओ, पक्का मकान कितना है नहीं, ये सब झूठी है, बीच वाले खा रहे हैं कौन खा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं मोदी के नाम पर वोट, मोदी के नाम तो देने के लिए तैयार है लेकिन मोदी हर जगह कहाँ कहाँ वो करेगा, जो बीच वाला जो फंक्शन है वो सुना यादव थे सांसद, तो क्या वो यहाँ आते थे? नहीं देखी नहीं है, सकल ही नहीं है यादव कैसे नहीं, तब 2019 में तो आए होंगे वो, नहीं ये कह रहे थे कांग्रेस के पक्ष में हम वोट डालते थे, 2019 में यहाँ पे कांग्रेस ही बड़ी थी, केपी यादव जी नहीं। अच्छा केपी यादव बीजेपी के पक्ष में गई थी वोटिंग? नहीं यहाँ पे कांग्रेस के पक्ष, कांग्रेस के पक्ष, तो 35 साल को रिकॉर्ड है अभी तक कांग्रेस ही बढ़ रही है। लेकिन कह रहे हैं कि इस बार गुना का चुनाव बदला सा है, क्योंकि हर बार सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर लड़ते थे और अब लेकिन बीजेपी की मोदी जी है ना, इस चक्कर में हो सकते हैं चांस लग रहा है बढ़ने की। अच्छा मोदी जी के चक्कर में और यादव सिंह यादव के नहीं है बिल्कुल चांस, अभी तक उनका तो आता ही पता नहीं, यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं, कांग्रेस वाला कांग्रेस वाले कोई भी आई नहीं यहाँ पर। अच्छा यहाँ तक अभी तक कांग्रेस बढ़ रही थी, कोई सी चुनाव ले लो लोकसभा का या राज्यसभा का कांग्रेस ही बढ़ रही थी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, देंगे महिलाओं के खाते में डालेंगे, अब डालेंगे अभी कुछ उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, पिछली बार भी कांग्रेस बड़ी थी। सिंधिया का परिवार पूरा का पूरा लगा हुआ है, महा आर्यन यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसका असर हो रहा है क्या सिंधिया घर आने का? नहीं होगा असर, प्रचार का बिल्कुल असर है, कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बढ़ सकता है। ठीक है, एक और बात है कि सिंधिया लगातार ये कह रहे हैं कि मेरा तो पारिवारिक रिश्ता है यहाँ से, पूरे गुना लोकसभा सीट से। हाँ आए जब भी चुनाव हुआ है सिंधिया जी से कोई ना कोई आया आते हैं, सिंधिया जी आए कई बार पहले भी, कांग्रेस से सिंधिया जी थे नहीं ना, इसलिए मतलब उनके सब चिड़ में है।
चलिए ठीक है, तो यहाँ गुना लोकसभा सीट का छोटा सा इलाका है लेकिन यहाँ के मुद्दे बहुत बड़े हैं। पानी की समस्या है, कई तरह के रोजगार रास्ता भी नहीं है, रास्ता को लेकर दिक्कत है और रोजगार को लेकर दिक्कत है, बिजली को लेकर भी जो है कई तरह की शिकायतें हैं। लेकिन इस बार गुना लोकसभा सीट की जनता क्या सोचकर वोट देगी और उसके मन में कौन है ये तो चुनाव के दिन ही पता चलेगा और नतीजों के बाद स्थिति साफ होगी। तो लोकमत के लिए गुना लोकसभा सीट से अनुराग श्रीवास्तव।